हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी खुशखबरी की, और वो ये है कि क्लास 12th बोर्ड का जो CBSE है उसका रिजल्ट आ गया है। आप लोग फटाफट से अपने अपने रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। कैसे वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में जहाँ भी आपके पास कोई भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए, चाहे वो ओपेरा मिनी हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे कोई भी हो। आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और आप उस ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में जाकर के टाइप कीजिए sarkaririzult.com। ठीक है, सरकारी रिजल्ट आफ्टर डॉट कॉम। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको ऐसा लोगो बना हुआ नज़र आ जाएगा, इस पर आपको तुरंत क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा खुल करके, और आप इस तरह का लोगो ज़रूर देख लीजिए। ये सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का वेरीफाइड वेबसाइट है, इस रिजल्ट लोगो से आपको पता चलता है। तो इसमें आने के बाद में आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसमें क्या करना है कि रिजल्ट वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला लिखा हुआ है CBSE बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2021। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे एकदम स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डाउनलोड रिजल्ट क्लास 12th। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, डाउनलोड क्लास 12th रिजल्ट। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, किसी पे भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें देखो, पहले में आपको रोल नंबर फिल करना है। आपको 8 डिजिट का रोल नंबर स्कूल से दिया गया होगा, अभी तक नहीं मिला है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है उस पर। आप वहाँ जा करके अपने रोल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं वो वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं और रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बताते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आपका 8 डिजिट का कोई रोल नंबर होगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद क्लास आपको 12th ही रखना है, क्योंकि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको चेक करना है। यहाँ पर आपको स्कूल का नंबर फिल करना है, वो 5 डिजिट का होगा। वो आपके आईडी कार्ड पर हो सकता है या आपके स्कूल के बोर्ड पे हो सकता है, नहीं पता है तो आप स्कूल से जा करके संपर्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। चूंकि मेरा ये कोई भी रोल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो मैचिंग रिकॉर्ड दिखा रहा है। आपका रोल नंबर और क्लास स्कूल नंबर ठीक होगा तो आपका रिजल्ट जरूर शो करेगा। इतना करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते, वो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाकर के सर्च नहीं कर सकते, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।